सुशांत सिंह राजपूत मामले में पुलिस द्वारा इस गुत्थी को लगातार सुलझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बॉलीवुड सितारे कंगना रनौत, शेखर सुमन, रूपा गांगुली सहित कई लोगों ने इस निधन को आत्महत्या नहीं बल्कि प्लैंड मर्डर कह दिया है। तो इस लिस्ट में बॉलीवुड के एक और चेहरा सामने आता हुआ नजर आ गया है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता नदीश संधू ने अपने शेयर किए पोस्ट पर फिर से विचार कर दिया है और अपने शब्द वापस ले लिए हैं। जानकारी दे दे कि 14 जून को नदीश संधू ने एक पोस्ट शेयर किया था, उसी बात से जुड़ी अगली बात नदीश ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी है। नदीश संधू ने कहा कि मैंने 14 जून को एक पोस्ट शेयर किया था, लेकिन वो मेरी धारणा थी, जो उस समय खबरें चल रही थी उनके आधार पर मैंने लिखा था कि आखिर सुशांत क्यों कमजोर पड़ गए, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये एक आत्महत्या है। तो मैं अब अपने उन शब्दों से आपत्ति जताता हूँ, मैं अपनी शब्दावली वापस लेता हूँ। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आनी है और वो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। अब मैं इस मसले को सुसाइड नहीं मानता हूँ, मैं इस केस में न्याय चाहता हूँ। ये सब बातें जानकर इस बात पर यकीन करना नामुमकिन हो चुका है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल मेहनती इंसान ये कदम कैसे उठा सकता है। खैर, नदीश की इस प्रतिक्रिया से पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड ने भी इसे सुसाइड मानने से मना कर दिया है। फिलहाल अंकिता ने कहा कि पापा यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो भी कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। आखिर उन्हें भी पता होना चाहिए उनके घर का राजकुमार उनसे दूर चला गया, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उन्हें भी पूरा अधिकार है इन कारणों को जानने का। खैर, इस मामले पर अब बिहार व मुंबई पुलिस दोनों जोरों शोरों से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो भी इस मामले से जुड़ी अगली जानकारी होगी सांझी करेंगे सबसे पहले आपके साथ। इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जुड़ रही है बूगल बॉलीवुड के साथ।